दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। इसके लिए आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा चार्ट पे और मूविंग एवरेज के लेंथ को आपको 20 कर देना है। आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। को इस स्ट्रेटजी को सिर्फ 9:30 के बाद ही यूज करना है। बाई ट्रेड हमें कैसे लेना है चले जानते हैं। 9:30 के बाद प्राइस मूविंग एवरेज को आके टच करना चाहिए और उसके नीचे जाना चाहिए। एक नया लो लगा के मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोज करना पड़ेगा और जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है हमें बाई का ट्रेड करना है और हम टारगेट 1:2 रख के चल सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे डाल देना है। सेल साइड में हमें कैसे करना है चलिए जानते हैं। पहले एक कैंडल मूविंग एवरेज को आके क्रॉस करना चाहिए और हाई लगा के मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज करना है। जब उस कैंडल का लो ब्रेक होता है हमें शॉर्ट करना है। 1:2 टारगेट हम ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है यूज़ करने को, लेकिन स्टॉक फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनर ऑलरेडी बना लिया है। मैं स्क्रीनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा,